कक्षा चार विषय हिंदी। तो बच्चों हमारा पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका है, पहले सेमेस्टर की एग्जाम भी हो चुके हैं। आप सभी को आशा है कि एग्जाम अच्छी हुई होगी और हमने दिवाली की छुट्टियां भी बड़े आनंद से मनाई है। तो आज हम आपका सेकेंड सेमेस्टर शुरू करते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका पाठ है पाठ आठ, जिसका नाम है सदा सुखी रहो। पाठ का क्या नाम है? सदा सुखी रहो। तो देखिए इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है ये बड़ों का आशीर्वाद है। हम किसी बड़े बड़े इंसान हमसे बड़े हो या हमसे बड़े परिवार को भी सदस्य है, हमारे माता पिता हो, हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाचा हो या मामा मम्मी हो या हमारे बड़े हो, उनको जब का उनके चरण स्पर्श करके हमें यह आशीर्वाद मिलता है कि सदा सुखी रहो। तो ये क्या है? एक आशीर्वाद। तो चलिए सेकंड सेमेस्टर में पाठ आठ हम शुरू करते हैं। माता जी की बात खत्म हुई भी नहीं थी,
नाना नानी जी ने क्या किया, उन लोगों को गले से लगा लिया और एक साथ ही बोल पड़े, सदा सुखी रहो। घर आते समय मुन्नू ने पिताजी से पूछा, पिताजी आशीर्वाद पाने के लिए क्या केवल जल स्पर्श करने ही चाहिए? मुस्कुराते हुए जवाब नानी जी ने दिया, मुन्नू बेटा पैर छूना तो आदर देने के कई तरीकों में से एक है। नाना जी ने नाक से मुन्नू को गोदी में बिठाते हुए समझाया, मुन्नू उतरे का कोई भी हो मुख्य बात है सबको आदर देना। मुन्नू नाम के लड़का है, आज क्या है मुन्नू के नानी और नाना जी गांव से शहर आए हैं और मुन्नू अपने माता पिता के साथ उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। जैसे ही नाना नानी स्टेशन पर उतरे, मुन्नू के पिताजी ने उनके चरण स्पर्श किए और मुन्नू को भी कहा तुम भी चरण स्पर्श करो। मुन्नू के माता ने चरण स्पर्श करते हुए मुन्नू से समझाया कि बेटा ये बड़ों को आदर देने का एक अनोखा और सुंदर भारतीय तरीका है, इससे हम आदर बड़ों को तो देते हैं उनको सम्मान देते हैं उनके साथ बड़ों का आशीर्वाद भी पाते हैं। माता की बात अभी समाप्त ही नहीं हुई थी कि नानी और नाना जी ने क्या किया, मुन्नू को अपने गले से रखा। घर आते समय मुन्नू ने पिताजी से सवाल किया, पिताजी आशीर्वाद पाने के लिए क्या केवल चरण स्पर्श करने ही चाहिए? मुस्कुराते हुए जवाब नाना ने दिया, बेटा जरूरी नहीं पर पैर छूना तो आदर देने के कई तरीकों में से एक तरीका है। मुन्नू बेटा पैर छूना तो आदर देने के कई तरीकों में से एक तरीका है। नाना जी ने नाक से मुन्नू को गोदी में बिठाते हुए समझाया, मुन्नू तरीका कोई भी हो मुख्य बात है सबको आदर देना। चरण स्पर्श करना या आदर या बड़ों को सम्मान देने के कई तरीकों में से एक है पर मुख्य बात क्या है, बड़ों को आदर देना बड़ों को सम्मान देना। घर आते आते मुन्नू सोच रहा था, नाना नानी के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? नाना नानी ने तो आशीर्वाद दे दिया था मुन्नू को क्या सदा निकाली और अपने
मुख्य बात क्या बताई है कि बड़ों को आदर देने के लिए उन्हें स्वचालन स्पर्श करना याद रखने के कई तरीकों में से एक है। आपके सामने फिर से एक बार एक अच्छे से पढ़ती हूँ, मतलब आपके समझ में आएगा। आज मुन्नू के नाना नानी जी गांव से शिविर आए थे। मुन्नू अपने माता पिता के साथ उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही नाना नानी जी रेलगाड़ी से उतरे, पिताजी ने उनके पैर छूते हुए मुन्नू से भी उनके चरण स्पर्श करने को कहा। मुन्नू की माता जी ने पैर छूते हुए मुन्नू को समझाया, बेटा बड़ों को आदर देने का यह भारतीय तरीका बहुत अनोखा और सुंदर है। आदर देने के साथ ही हमें बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है। माता जी की बात अभी समाप्त भी न हुई थी कि नाना नानी जी ने मुन्नू को गले से लगा लिया और एक साथ ही वो बड़े सदा सुखी हो। घर आते समय मुन्नू ने पिताजी से पूछा, पिताजी आशीर्वाद पाने के लिए क्या केवल चरण स्पर्श करने चाहिए? मुस्कुराते हुए जवाब नानी से मिला, बेटा मुन्नू बेटा फैक्ट्री का आदर देने के कई तरीकों में से एक है। नाना जी ने कार से मुन्नू को खुदी में बिठाते हुए समझाया कि मुन्नू तरीका कोई भी हो, मुख्य बात है आदर देना। घर आते आते मुन्नू सोच रहा था, नाना नानी के आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। घर पहुँचते दौड़ कर वह अपना बस्ता लेकर एक तरफ बैठ गया। बस्ते में से उसने कॉपी निकाली, कलम उठाई और लिखने लगा, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ, क्योंकि उसे माता जी की बात याद आ गई कि जब भी कोई संदेह हो तो उसे लिखना और उस पर बार बार विचार करना। ऐसा करने से अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाता है। मुन्नू नामक लड़का है, अपने माता पिता के साथ नाना नानी को लेने के लिए स्टेशन पहुंचा। नाना नानी जैसे स्टेशन पर आए, मुन्नू के पिताजी ने उनके चरण स्पर्श किए और मुन्नू को भी चरण स्पर्श करने के लिए कहा। माँ ने भी समझाया कि चरण स्पर्श करना ये आदर देने का अनोखा और सुंदर तरीका भारत में है। इससे हमें हम बड़ों को सम्मान भी देते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो इस तरह से मुन्नू ने भी प्रश्न किया, क्या सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए चरण स्पर्श करने चाहिए? तो नानी ने कहा, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, आदर देने के कई तरीकों में से ये तो एक तरीका है। तो नाना जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया, बेटा बात कोई भी हो, मुख्य बात है आदर देना। तो उन्होंने ना जो मुन्नू है उसे अपने गले से लगाया और उसे आशीर्वाद क्या दिया, सदा सुखी रहो। तो वो सोचने लगा, उधर आते आते मुन्नू सोचने लगा कि उनके आशीर्वाद को पूरा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। आशीर्वाद तो मिल गया था, सदा सुखी रहो, तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? उसे घर आकर अपने बस्ते में से एक कलम को